यहाँ के बीच जो है काफी फेमस है। अगली तीन कंट्रीज के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। प्राइस क्या चल रहा है सर पेट्रोल डीजल का? यहाँ पे 21.50 है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज, साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ। अभी हम हैं फ्री टाउन, कैपिटल सिटी सिएरा लियोनी। यहाँ हम दो तीन दिन पहले पहुँच गए थे और पूरा रेस्ट किया, तबीयत थोड़ी नासूर थी। तो कल रात को हम जो हैं, महाशिवरात्रि थी तो मंदिर गए थे, उसका थोड़ा सा पार्ट है। आज अब हम जो है कोस्टल एरिया में जा रहे हैं। यहाँ पर हम रुके हुए थे राजेश्वर जी और उनकी कंपनी का गेस्ट हाउस है वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर हम रुके हुए थे और ये सर जी हैं हमारे। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी, भाई साहब बढ़िया। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए जी। मेरा नाम राजेश्वर यादव है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और एक कंपनी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, APC कंपनी, उसमें मैं नौकरी करता हूँ एज ए कंट्री फाइनेंस हेड। जरूर अभी हम वोट नहीं देंगे, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं भाई। भाई हमारे यहाँ, भाई साहब हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वोट नहीं देंगे हम। हमारा वोट फिक्स है, हमारा भी फिक्स है भाई साहब। आंखें लाल हो रही है अज्जू की भाई। वैसे रेस्ट वेस्ट पूरा हो गया, मैं कह रहा था कि बीमार होएगा, बीमार ये नहीं हुआ, मैं हो गया। सही बात है। अभी हम एक बार जो है फ्री टाउन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, एक बार गुरुद्वारा साहिब है वहाँ जाएंगे। इसके साथ साथ हम कोस्टल एरिया में, यहाँ के बीच जो है काफ़ी फेमस है तो हम बीच कवर करके आएंगे और जो भी देखने की चीज़ है वो सब चीज़ें दिखाएंगे इस वीडियो के आखिरी तक आपको। फ्री टाउन अपने आप में एक फ्री टाउन है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है जो कि पहाड़ों के बीच में, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ समुंदर है, ऐसा है। सो हम गाड़ी में बैठ गए हैं और निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जाने से पहले तो प्राइस क्या चल रहा है सर पेट्रोल डीजल का? यहाँ पे 21.50 है। 21.50 लियोन्स मतलब डॉलर से ऊपर हो गया, लगभग आपका 1.10 डॉलर्स हो गया। 1.3 एक डॉलर 10 सेंट्स 15 सेंट्स के आसपास। ओके, फिर तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 80 कुछ हो गया, 85 हो गया इंडिया के रुपीज की इसकी बात करें तो। और पेट्रोल? पेट्रोल भी सेम रेट है, सेम पेट्रोल डीजल का सेम प्राइस है, यहाँ पे एक ही भाव है। ओके, तो यार यहाँ पे तो लाइबेरिया से भी कम है सर, लाइबेरिया में 120 है। लाइबेरिया महंगा है, बहुत महंगा है लाइबेरिया, बहुत महंगा है, यहाँ सही है। और हमारे चालक जी है वो तेल डलवा रहे हैं अभी। लामिन, क्या नाम इनका? लामिन तुरे। लामिन तुरे, लामिन तुरे फ्रॉम सिएरा लियोन। सिएरा लियोन, सिएरा लियोन सीनियर ड्राइवर। सीनियर ड्राइवर, सीनियर ड्राइवर। तो भाई तेल डलवा के फिर हम चलते हैं गुरुद्वारा साहिब की तरफ जा रहे हैं। गुरुद्वारे में जाएंगे पहले एक बार। रास्ते में हमारे भाई लोग और लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं आपका मिलने के लिए, उनसे मिलेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ियों का देश है, ऐसे लग रहा है शिमला में कहीं है। और एक अभी नया रूट बना है यहाँ पे जिससे की वजह से थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया, तो उस नए रूट से कुछ व्यू आते हैं वो दिखाऊंगा आपको। ये सीपोर्ट है, हाँ लाइटनिंग होती है तब, जिसपे गोल्डन गोल्डन सा दिख रहा है आपको, ये यहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है भाई। ये जो है पार्लियामेंट है। ये जो एरिया, इसको किसी एरिया बोलते हैं, और सी पोर्ट है ये। सामने गुरुद्वारा साहिब है, पहुंच गए हैं और आर्मी के ट्रक खड़े हैं यहाँ पे, तो मर्सिडीज बेंज के ट्रक हैं आर्मी के पास में यहाँ पे। मिलते हुए निकलेंगे, काफी दूर है बीच भाई साहब।
कितने किलोमीटर होगा? हमारा घर से 42 किलोमीटर घर से हमारे। एक्चुअली भाई साहब और जो रह रहे हैं वो फ्री टाउन के ईस्ट साइड में है, और सारे बीच जो बढ़िया बीच है वो सारे वेस्ट साइड में है। तो यहाँ पे इस साइड में कोस्ट पे ज़्यादा सा बीच वीच है नहीं, वेस्ट साइड के कोस्ट पे बीच है जो कि अटलांटिक ओशन की तरफ आ जाता है। और यहाँ से बिल्कुल इसके पैरेलल में जो है मैक्सिको पड़ता है या ब्राज़ील, फेमस बीचेस। और इस एरिया में कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है थोक के भाव में, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन के सामान की दुकानें हैं वो सब हमारे भारतीय भाइयों की है। महीने का राशन अपना जंगल में भी अपना वही लेके अपनी तो हम बीच साइड में पहुंच रहे हैं। बीच पे एंट्री करने से पहले इन्होंने पैसे लिए, 10-10 लिए उन्होंने एक बंदे के, मतलब हाफ डॉलर एक बंदे का, 40-40 रुपए का टिकट है बीच साइड जाने का। ये जो है नंबर 2 बीच या रिवर बीच है, उसका ये पार्किंग एरिया है सारा, ये पूरा यहाँ लोग पार्किंग करते हैं, उसके बाद इधर बीच है। शाम होते होते 8 बजे तक यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है, लगभग 1000 के आसपास लोग हो जाते हैं। ये यहाँ बोन फायर करते हैं लोग रात को, यहाँ संगीत बजता है इनका अफ्रीकन म्यूजिक, और लोग नाचते हैं। अभी आप देख रहे हो कि मेरे पीछे वाहेगुरु लिखा हुआ है, वाहेगुरु वाहेगुरु, तो ये सब लोगों के पास में आ गए। ये हैं हमारे हरीश भाई, इनके यहाँ पे हम रुके हुए हैं। अजू जी को आप जानते ही हैं, आपका शुभ नाम सर जी? ऋषभ। यश। यस। और वो अविनाश, और आपका? ललित। ललित भाई हैं। हमारा जो वीज़ा का प्रोसेस है वो अटका हुआ है। अगली 3 कंट्रीज़ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, हमें अगली 3 कंट्री हैं गिनी कोनाकरी, गिनी बिसाऊ, और तीसरा है गाम्बिया, और चौथा है सैनेगल। सैनेगल का वीज़ा की हमें ज़रूरत नहीं है। गिनी कोनाकरी का वीज़ा जो है हमने 1 महीने पहले अप्लाई किया था, बट वो वीज़ा अभी तक आया नहीं है। अज्जू का आ गया, मेरा अटक गया, तो अभी हमें उसका प्रोसेस करना है, साथ में गिनी बिसाऊ का और गाम्बिया का वीज़ा का प्रोसेस करना है। तो आज अब हम जो है भाइयों के पास में आए हैं, चाय बना ली है, और देखिए यहाँ पर भी हमें समोसे मिल जाते हैं और चाय मिल जाते हैं, तो चाय समोसे का सेवन करके थैंक यू एवरी वन आप सभी का वंस अगेन। ठीक है सर जी, सटार वाले हैं। हरीश जी तो अपने साथ ही जाएंगे, तो मैं हरीश जी के साथ ही आया हूँ गाड़ी में। आप सब लोग अजमेर से हैं ना? क्या यार, कब्जा कर रखा है अजमेरियों ने। पहला कब्जा तो अजमेरियों का, दूसरा कब्जा सिंधियों का, वेस्ट अफ्रीका पे भाई आप लोगों का कब्जा है सही में। कोनाकरी की एम्बेसी में हम जाए हैं, इधर कहीं गलियों में से जो है वो एम्बेसी मिली हमें, और अब हम वहाँ पे एक बोला कि एक नंबर दे दिया उन्होंने कि ये बंदा है नहीं, इससे आप एक बार बात कर लो। ये है क्या ही वो ईश्वरी है, ये काफ़ी फेमस शॉप है इंडियंस की है ना, ये अशोका लेलैंड का ऑफिस। और ये हमारा तिरंगा देखिए कैसे लहरा रहा है, ये हमारी भारतीय दूतावास है, और यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। आई रियली मतलब ऐसी एम्बेसी मैंने बहुत कम जगह देखी है, भारतीय दूतावास एक्चुअली है पहाड़ पे थोड़ा सा। तो भाई हम आ गए हैं एम्बेसी से, मैं जो आया इधर आ गया था, ये भाई और को मछली लेनी थी। चौथराम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजू इलेक्ट्रॉनिक्स, ये माता जी आ गए हैं, ये सब्जी लेके आए हैं, घर पे बेच के जाते हैं आके। अच्छा फोन कर देते हैं, ये ले जाते हैं फिर मार्केट से।
अब ये लेके आए हैं सारा सब्जी जो घर पे चाहिए, सारी सब्जी ला के दे दी इन्होंने। कमाल है। भिंडी, प्याज, धनिया, हफ्ते में एक बार आते हैं। जब हम लोग को लगा कि कम हो रहा है स्टॉक तो इनको बुला लिया, तो माता जी आओ आप। सुमित भाई देखो कमर दर्द में भी इसको मूलिया लगी, मूलिया बैठ के हिसाब कर रहे हैं बाबा। Uncle, today is 3:20, I'm not by. When I get here.